Hello students, in today's video we will discuss question number 3 from chapter direct and inverse proportions and exercise 13.2. So question is, Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Okay, help him by completing the following table. Okay. तो रहमान क्या कर रहा है, रहमान जो है एक व्हील बना रहा है बाय यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स ये डंडियां होती हैं जो आपने साइकिल में देखी होंगी, बाइक में देखी होंगी, इस तरह से व्हील के बीच में, टायर के बीच में लगी रहती हैं, ठीक है, तो वो उन्हें स्पोक्स कहते हैं। तो वो क्या चाहता है कि स्पोक्स को इस तरह से फिक्स करना चाहता है कि हर एक के बाद जो दूसरी स्पोक्स लग रही है उसके बीच का एंगल जो है, दूसरी और तीसरी के बीच में जो एंगल है बराबर होना चाहिए। मतलब हर एक एंगल अगले एंगल के बराबर होना चाहिए, फिर उसके अगले एंगल का बराबर होना चाहिए, फिर उसके अगले एंगल का बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एंगल जो है ये वाले के बराबर होगा, ठीक है, इस तरह से इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ और कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से कुछ होगा। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, इसके, इस तरह से एंगल बराबर होंगे। इस तरह से स्पोक्स को फिक्स करना है, ठीक है। तो स्पोक्स ये पूरी नहीं है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसको स्पोक्स फिक्स करनी है कि हर एक जो एंगल है अगले एंगल के बराबर आ जाए, इस तरह से स्पोक्स को फिक्स करना है, ठीक है। तो ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स दिए हैं और एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, ठीक है, हर, ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स ये हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। पेयर मतलब एक, ये एक पेयर हो गया, एक एक पेयर में दो ही तो स्पोक्स होंगी, ये वाला एक पेयर हो गया, फिर कंसेक्यूटिव मतलब एक पेयर ये हो गया, उसके अगले वाला ये हो गया लगातार दूसरा, फिर इसके बाद ये स्पोक, ये वाला पेयर हो गया एक दो, ठीक है, फिर ये पेयर, ये इसके, तो ये एंगल जो है बराबर आने चाहिए सभी में, ठीक है। अगर हम 4 स्पोक्स रखें, ठीक है, तो एंगल क्या आ रहा है हमारा हर स्पोक्स के बीच में 90, जिस तरह से ये 1, 2, 3, 4 और पेयर 1, 2, ये पेयर हो गया, तो इसके बीच में कितना आएगा, 90 आया, फिर इसके बीच में 90 90 90, ठीक है, तो ये तो एकदम सही बैठ रहा हमारा। जो 4 स्पोक्स हैं, 4 स्पोक्स का यूज़ करके हमने कॉन्जिक्यूटिव एंगल कितना बना दिया, 90 90, ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए एंगल, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 6 स्पोक्स अगर लगाएंगे तो एंगल कितने में डिवाइडेड होगा आपका, 60 में। यहाँ पे मैंने देखी सही से लाइनें नहीं खींची, मतलब स्पोक्स रखे नहीं, अदरवाइज ये क्या होता, ये एक एंगल होता, ये होता, ये होता, ये होता, कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं, है ना, ये भी 60 है, ठीक है, ये पूरा 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये फिर आपका ये पूरा, सॉरी ये वाला, क्योंकि बीच वाला नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। इसके बाद अगर बोला जा रहा है कि अगर 8 स्पोक्स रखें तो फिर बताइए कि एंगल कितने कितने रखने पड़ेंगे कि जिससे कि इक्वली जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे इस पेयर के लिए भी सेम हो एंगल, इसके लिए भी, हर पेयर के लिए, कंसेक्यूटिव पेयर के लिए सेम हो एंगल, अगर हम 8 स्पोक्स का यूज़ करते हैं। सिंपल है, 4 स्पोक्स का 90 कैसे आया, देखिए यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है, ये पूरा जो सर्कल होगा ना, पूरा जो सर्कल होता है यहाँ से यहाँ वापस आने के लिए कितना घूम के आना पड़ा है, 360, ठीक है, आपने ये तो देखा होगा डी में, 180 डिग्री की सीधी लाइन होती है, ठीक है, होती कि नहीं, 180 डिग्री की सीधी लाइन होगी यहाँ से जीरो से, ठीक है, जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो जीरो के बाद धीरे धीरे इस तरह से चलने लगेगा, तो यहाँ पे आके आपको वापस 180 दिखता है, फिर इसी को अगर रिवर्स में घूमने लगोगे ना, तो ये पूरा क्या क्या बना देता है,
360 बना देता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक सर्कल बन जाता है, तो सर्कल बन गया तो ये पता है कि 360 डिग्री का पूरा सर्कल होगा। तो अब ये देखिए, इसी तरह से यहाँ पे 360 के अंदर जो है डिवाइडेड ही हुई है चीज़। अब देखिए 360 डिग्री को हमने चार पार्टों में डिवाइड किया तो कितना आया, 360 को हमने अगर फोर पार्ट में डिवाइड किया तो 90 डिग्री आया। इसी तरह से यहाँ पे फोर स्पोक्स लगाई गई हैं तो 90 डिग्री एंगल आएगा ईच पेयर का, ठीक है। लाइक इस तरह से है ना। इसी तरह से 6 360 को आप अगर सिक्स पार्ट में डिवाइड करो, मतलब सिक्स स्पोक्स लगा दो, तो क्या हो जाएगा, 60 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। 6 6 36, ठीक है। अब सेम काम हमें यहाँ पे 8 के लिए करना है, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 8 स्पोक्स लगानी है, ठीक है। यहाँ पे एंगल आना है, ठीक है। 8 4 जा 32, ठीक है। 4 बचा, 8 5 जा 40 45। तो 8 स्पोक्स लगाओगे तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एंगल कितना आएगा, 45 बार आएगा। 45 45 रखोगे तो आपकी 8 स्पोक्स इजीली लग जाएंगी, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर। 10 स्पोक्स लगाने के लिए आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स में कितना एंगल रखना पड़ेगा, ये तो सिंपल है। ओके, 360 डिवाइडेड बाई 10 स्पोक्स, 36 आ जाएगा। बहुत सिंपल था ये तो, ठीक है। अब 12 स्पोक्स लगाने पे क्या कॉन्जिक्यूटिव एंगल रहेगा, 360 डिवाइडेड बाई 12, 3 जा 36, 0 रहा, तो ये हो गया आपका 30, ठीक है। 12 स्पोक्स लगाओगे तो 30 डिग्री का आपको कॉन्जिक्यूटिव एंगल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द साइकिल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बाय एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स इन कंसेक्यूटिव, ठीक है। जितने हम नंबर ऑफ स्पोक्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से उसका जो क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ पेयर सॉरी नंबर ऑफ स्पोक्स और नंबर ऑफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। स्पोक्स एंड पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, तो जितना ए बढ़ेगा उतना बी बढ़ेगा, जितना ए कम होगा उतना बी कम होगा। लेकिन इनवर्स में क्या होगा, उल्टा, ठीक है। जितना ए बढ़ेगा उतना बी कम होगा, ठीक है। जितना ए कम होगा उतना बी बढ़ेगा, यहाँ पे उल्टा चलता है, इनवर्स रिलेशन, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ स्पोक्स जो है आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। देखिए नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं लेकिन एंगल जो है घटता जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में आएंगी चीज़ें। ओके, तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो फर्स्ट के लिए, यस द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एंगल ऑफ कैलकुलेट करना है कि एंगल कितना होगा अगर हम 15 स्पोक्स लगाएं, ठीक है, पेयर ऑफ 15 कंसेक्यूटिव स्पोक्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताना है कि एंगल एंगल ही बताना है, ओके, और कुछ नहीं है।
सो हम क्या कर रहे थे इतनी देर से, 360 डिवाइडेड बाय जितना भी आपका क्या कहते हैं स्पोक्स होगा वो, और यहाँ पे आपका एंगल निकल के आ जाता था, ठीक है। तो अगर 15 स्पोक्स लगाओगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो एंगल, क्या एंगल होगा इतने 15 कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में, वो निकल के आएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो 15 2 30 हुआ, ओके 15 2, फिर बचा आपका 60, 15 4 60 हो जाएगा, ओके। तो 24 डिग्री आपको एंगल रखना पड़ेगा, जिससे कि 15 को 24 डिग्री एंगल होगा जब आप 15 स्पोक्स लगाएंगे, ठीक है। कुछ अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। इस तरह से कंसेक्यूटिव पेयर में आपको 25 डिग्री का एंगल दिखेगा। थर्ड जो है क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि आपको कंसेक्यूटिव स्पोक्स बताने और एंगल दे दिए गए। इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम एंगल निकाल रहे थे, इस बार स्पोक्स दे दिए गए, तो ठीक है इसको इधर भेज दो, एंगल को नीचे भेज दो, ठीक है। यहाँ पे एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री और आपको स्पोक्स बताने हैं कंसेक्यूटिव स्पोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं कंसेक्यूटिव स्पोक्स, ओके। तो कंसेक्यूटिव स्पोक्स कितने निकल आएंगे अगर हम 40 डिग्री एंगल लगाएंगे, तो कितने स्पोक्स की जरूरत पड़ेगी, 4 9 36, तो 9 स्पोक्स चाहिए। अगर 40 का एंगल अगर रखना है आपको, 40 का एंगल रखना चाहते हो, तो 9 कंसेक्यूटिव स्पोक्स की जरूरत पड़ जाएगी आपको। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।